गाइस वेलकम टू माय चैनल धूप छाओ विद मलिक फैमिली। इस व्लॉग में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं बाहर मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे, ज़्यादातर हम इवनिंग वॉक पे आते हैं। और सामने है भेड़, तो दिखाते हैं आपको भेड़। कितनी सारी भेड़ें हैं। यस भेड़ बकरी सब है इसके अंदर। चल गाइस ये देखो डॉगी, ये देखो गाइस ये पड़ता है यहाँ पर एक बाग, बाग कह लो या फिर इसमें ऑर्गेनिक सारी सब्जियाँ उगी हुई रहती हैं। तो इसके अंदर उगी है तोरई, भिंडी, नींबू और बेर, जामुन और बैंगन और कच्चे आम, सीताफल। तो ये सारी सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश। और जाओ इनको बोलो कि भी हमें ये चीज़ लेनी है, अगर आप ओके करोगे इनके रेट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या करेंगे, जाएंगे अपना लेकर जो भी बास्केट होती है उसके अंदर तोड़ कर लाते हैं और दे देते हैं तोल कर बिल्कुल फ्रेश। देखो आम ही आम भी, वाह। और ये इसके नीचे है भसिया भैंस, खूब गुच्छा का गुच्छा। ये देखो बछड़ा, और उधर से आम भी तोड़ के ला रहे हैं। कच्चा आम है, कच्चा आम ले ले, एक किलो का से भिंडी का टोकरा, भिंडी चढ़ाओ मैं मुंह लेकर आ रहा हूं। कितनी लाके बता दे, डेढ़ किलो, एक किलो ले ले, हम कित ले है। बस रे एक किलो आम इस तरीके से लगा हुआ है जैसे नहीं, वो छीनी खराब हो जाते हैं। छीनी ये पूरा भिंडी का ही है, और टमाटर भी लगा हुआ है। देख ये लगा हुआ टमाटर, कच्चे हैं थोड़े से, मतलब टमाटर लगे हुए हैं इसमें, भिंडी लगी हुई है, अमरूद का बाग है, अमरूद का है, अमरूद भी है। देख लग रहे हैं। हाँ ये रे, उससे भी लग रहे छोटे छोटे। छू नहीं अंकिता, नहीं छू नहीं, दीदी बस टच नहीं कर, वो तो मैं मुझे दिख रहे हैं दूर से, छू नहीं, छूने से वो फल पकता नहीं है, फिर छू नहीं। कितना बड़ा सा है, चलो आ जाओ, हम जा रहे हैं आम के फोटो लेने। उधर कितने छोटे पेड़ पे आम आया हुआ है, वाह कितना बड़ा है। देसी आम है ये तो, अचार वाला जो अचार डलता है ना आम का, वो है बिल्कुल आम का अचार। खरबूज नहीं है, आम है। देखिए बिल्कुल ये वाले जो आम ही होती है ना, इसका अचार पड़ता है। हमारे वहाँ पे मेरी मम्मी डालती थी इसका अचार। एक टच नहीं करो, डांट खाओगे। मैं कल ही वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। चलो हो गया, बहुत सारे आम के पेड़ हैं बेटा, मेहनत भी तो करते हैं फिर ये लोग। इस बाग के आगे से हम बहुत बार आए हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पर सब्जी भी मिलती है। फिर मेरे हस्बैंड गए हुए थे एक बार, यहीं से सब्जी लेकर गए हैं,
तो फिर मुझे बोला कि भाई जा रहे हो तो ले आना। तो हम फिर यहाँ से हमने लेने तो हम घी आए थे लेकिन घी हमें मिला नहीं, तो हम फिर यहाँ पर कच्चा आम लेकर जा रहे हैं जिसकी बनाएंगे सब्जी। सच्ची मैं भी नहीं थी मामी, मैं तो धानी मेरा नाम ले फोन के कवर में 10 का है नहीं 20 का है। हमने लिए 30 किलो आम भी, 30 किलो आम तीस की आमी लिए 1 किलो, ये नहीं कहे 30 किलो आमी अचार डालेगी आमी का। हेलो गाइस, और कैसे आप सब? लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सुन ओए क्या लेके आया तू बाग में से, ये तो बता। भिंडी और अम्बी अपने ब्लॉग में, आज भिंडी और अम्बी खाएगा है। तुझे कहता था इन लड़कियों की डांट नहीं पड़ेगी, इनको भी पड़ेगी डांट। थप्पड़ मार दिया मन रही है। चलो गाइस, हम ये आमी लेकर आए हैं अभी 1 किलो, और अब हम इनकी बनाएंगे आमी वाली चटनी। बिल्कुल उसने हमें ना बिल्कुल हमारे सामने जाकर पेड़ पे से तोड़ कर दिया, बिल्कुल हमारे सामने ही। बस हमसे पूछा कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही तोड़ कर लाया था, बिल्कुल ताजी फ्रेश। ये है फ़ायदा गांव देहात में रहने का। शहर में क्या होता है कि शहर में तो ये जाते जाते ही वो हो जाती हैं बासी। सचिन को छील लिया। मुझे नहीं पता था वहां से ऐसे सब्जी भी मिल जाती है फ्रेश। भिंडी थी, आम था, और वो था बेर भी मिलते होंगे वहां पर जब बेर का टाइम आता होगा तो। बेर जामुन भी बेर का ही खेलो। हाँ चल साइड जी, आई एम गोइंग। वेलकम टू माई चैनल दुख छावे जी मेरी फैमिली, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज भी आ गई है महस, आपको दिखाते हैं इसका बछड़ा। देखो ये इसका क्यूट सा बछड़ा, ये मार देगी। ये देखो कितना क्यूट है। इवनिंग वॉक पे इतना सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है आपको। चलो फिर चलते हैं, अब यहीं रहोगे, आ जाओ। मैं तो क्या सोडे रोटी पानी खाऊंगी। इस घर में बनाओगे क्या? और के अगर कोई भी है कहती रसोई भी गैस घुस तो होएगा, रसोई भी तो होगी, कड़िया नहीं जाती। हां मैं तो क्या पानी तू तो कह रही थी मजाक करो बनाइयो कोई ना मैं तो दूटे तेल ले दे छु थोड़ा तेल ले दे से नीचे ही ना आए पाओ तो पा। चलो फिर सूरज डूबने वाला है, जल्दी जल्दी चलो घर। बाइक मिली और इसमें ना आर नाम का अक्षर का की पड़ा था, की चैन है, और ये बच्चे उसके आम लेके भाग रहे हैं। सच इतना नाम तेरी बाइक चल ले चलेंगे। हाँ ले चलेंगे, मेरी तो है। चल वो बाइक का ओनर है, कहाँ दिख तो नहीं रहा। चलो 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 छोड़ो बाइक को, अब चलो देखो कितना सुंदर ये लग रहा है घर। वो क्या है ये? मेरी सासू माँ और सासू माँ के सर में लगा रही हूँ मैं तेल, उनकी कर दी मैंने हेड मसाज, और तेल लगाते लगाते उनके साथ मजाक भी चलता रहता है, और वैसे मेरी सास बहुत मजाक किया है। सब मजे आ रहे हैं। कैसी रोटियां सीख रही है? दो तो पे तीनों गैस चलाई हुई हैं, चाची बना रही है और नेहा सेक रही है। ज्यादा लोगों की रोटियां आधे घंटे में बन जाती हैं। हाँ ज्यादा देर भी नहीं लगती। देखो इस पे से फिर इस पे, फिर इस पे से फिर इस पे, सही है, फिर उगाया जाए।
फिर उड़ता है उड़ा ट्रांसफर हो जाएगी। देखो गाइस, हाँ और देखो गाइस इधर रख देंगे सारी बस, फिर नहीं आ उड़ा तो उड़ ले लेगी, फिर चाची उड़ा तो बनावेगी देख चून फिर मुँह करेगी, फिर आड़े धरेगी फिर आड़े धरेगी फिर आड़े फिर आड़े। आपको इनका आइडिया कैसा लगा, आप भी ट्राई करना। जब बच्चे नानी घर आ जाए तो ज्यादा वेट ना वो वजन ना पड़े ना एक आदमी पे, खाना बना के फिर मस्ती करेंगे खेलेंगे पकड़म पकड़ा। अनि चाची सही कहूँ पकड़म पकड़ाई के लांग। गाइस देखो इस बिल्ली को, ये बिल्कुल पालती मार के बैठी है आगे की तरफ और यहाँ पर ये खेल रही है। इसको कुछ न मतलब जब भी आती है कुछ ना कुछ खाने को दे देती है। उसकी स्पीड ही कम होगी। हम आज दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, ये तो साइड में नहर है तो आज हम साइड से नहीं जा रहे दूसरी साइड से जा रहे हैं। हाँ नहर कहाँ तक है और वो आगे पटरी आ गई तो इसके गैल गैल हो लेंगे आगे स्टेशन आ जाएगा। और गाइस ने यहाँ भी आ चुकी है, गाइस ये पीछे जनता आ रही है जनता। गाइस कितने सारे तोते इधर बोरे बोरे, गाइस कितने सारे तोते इस पेड़ पे है और हम पटरी के बिल्कुल पास आ चुके हैं और इधर खेत ही खेत और ये इधर बाज आई ये रे गाइस तोते ये उड़ रहे। गाइस अंकित के भी तोते उड़े हुए। गाइस देखो कितने सारे तोते उड़ गए, देखो गाइस उधर चलो चलो ये पेड़ बढ़िया लग रहा है सूखा पेड़ गाइस ये रहा पेड़ 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 सूखा पेड़। गाइस इधर वो आ गई है क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इसको मेरी भूल ही गई ट्रेन ट्रेन पटरी गाइस। इस वीडियो में हमने आपको ज़्यादातर जंगल ही दिखाया है क्योंकि हम लोग इवनिंग वॉक पर जाते हैं तो इसमें हमारे साथ बच्चे होते हैं और हमारी भैंस अभी तक दूध नहीं दे रही थी तो दूध भी हमारा बाहर से आ रहा था तो दूध भी लेकर आ जाते थे और इवनिंग वॉक भी हो जाती थी। इसमें हम कभी रेल की पटरी की तरफ जाते और कभी हमने रोड की तरफ आने का सोचा तो अच्छा लगा। और ये सारे बच्चे अपनी नानी घर आए हुए हैं तो इनके साथ जो मस्ती हो रही है आपके साथ शेयर की एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय।